अररिया के पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता सरफराज आलम ने प्रेस वार्ता में कहा कि राजद के उभरते हुए नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से घबराकर नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पलटी मारकर जनता के साथ विश्वासघात किया है। सरफराज आलम ने अपने अररिया स्थित आवास पर पत्रकारों से कहा कि 17 साल बनाम 17 महीने में तेजस्वी यादव अपने काम के आधार पर काफी लोकप्रिय हो रहे थे, जो नीतीश कुमार को हजम नहीं हो रहा था। पूर्व सांसद सरफराज आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 3 लाख नौजवान को नौकरी दी, बिहार में जाति जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया। जब उन्होंने तेजी से काम करना शुरू ही किया तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए पलटी मार दिए। जिन्हें दिन रात उल्टी सीधी बातें सुनाते थे उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। सरफराज आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा के क्रम में 26 फरवरी को 10 बजे अररिया आ रहे हैं, जहां वो रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर राजद नेताओं की लगातार बैठक जारी है। इस रोड शो में काफी लोग उन्हें देखने और सुनने पहुंचेंगे। 26 फरवरी को तेजस्वी यादव अररिया आ रहे हैं, जनविश्वास यात्रा है उनका, किस तरह की तैयारी की गई है अररिया में? तैयारी तो अररिया सीमा से किशनगंज सीमा तक जन सैलाब रहेगा। उनका रूट क्या है, कहाँ से कहाँ निकलेंगे, कहाँ उनका संबोधन होना है? रूट शो है भरगामा त्रिवेणी गंज जी, भरगामा रानीगंज अररिया जो कि बहादुरगंज किशनगंज पूर्णिया कटिहार खगड़िया बांका में विश्राम। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव की तैयारी हो रही है लोकसभा की, इसमें कितनी मजबूती से उतरेगी राजद? देखिए इंडिया गठबंधन जी, मैं तो दूसरे की बात नहीं कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन बिहार में झंडा फहरावे 2024 इंडिया गठबंधन का होगा। इस तरह का यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई आखिर राजद को? जनता मालिक है, जन विश्वास। मैंने 18 साल बनाम 17 महीना मैंने जो काम किया है, जो इस देश के मालिक हैं जनता, मैंने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था, मैंने 17 महीना में मेरा विभाग था, मैंने 4 से 5 लाख नौकरी देने का काम किया, सारा मेरा विभाग था। जनगणना किया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, काम करते कर ही रहा था तो कुछ लोगों को परेशानी हो गई, ये नौजवान बड़ा आगे जा रहा, इस वजह सरकार है। वही जनता के पास किए हुए काम को और 3 मार्च को पूरी प्यार की ताकत आपको गांधी मैदान में नजर आएगा। क्रम है तेजस्वी जी का जिले में और इसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? जैसा कि हमारे पूर्व सांसद और हमारे नेता जनाब सरफराज आलम साहब ने बताया कि 26 फरवरी को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री, हम उन्हें भावी मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जन
विश्वास यात्रा का जब से तेजस्वी जी निकले हैं, उनके सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने भाजपा जदयू के नेताओं की नींद हराम कर दी है। वो परेशान नजर आने लगे हैं, अनाप शनाप बयानी कर रहे हैं और राज्य में आप बेहतर देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है और प्रशासनिक अधिकारी खुलेआम विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री के घोषणा की धज्जियां उड़ा देते हैं। मुख्यमंत्री चिल्ला रहे होते हैं सदन में के पाठक जी जो है वो ईमानदार हैं। ठीक उसी समय विधान परिषद में जदयू के ही जो MLC हैं गुलाम गौस साहब कह रहे होते हैं कि के पाठक को पागलखाना भेजे जाने की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री का इकबाल रह गया है। हमारे जो नेता ने 17 महीने में उपलब्धियां अर्जित की, चाहे वो नौकरी देने के क्षेत्र में हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मामला हो, चाहे वो टोला वो मरकज तालमी मरकज के हो, टोला सेवक के इसके जो उनको मिलता है उनकी बात हो, हर चीज को जो हमारे नेता ने कहा उसे पूरा किया। और बिहार में तेजस्वी जी के बढ़ते कद से नीतीश कुमार जी घबरा गए और फिर से संघ की गोद में बैठ गए। हमारे नेता 17 महीने के उपलब्धि को बताने के लिए जनता के बीच आ रहे हैं। अररिया में उनका जो आगमन होना है इसके लिए यहाँ के लोग ललायित हैं, अपने नेता के दीदार के लिए लोग जो है बहुत ही व्याकुल हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के जन विश्वास यात्रा का जो रोड शो कार्यक्रम है उसमें ऐतिहासिक भीड़ उमड़ने वाली है। जी, जो तेजस्वी जी त्रिवेणीगंज से सड़क मार्ग के माध्यम से निकलेंगे, रानीगंज होते हुए रजोखर है, अररिया बस स्टैंड आएंगे, यहाँ से 0 माइल और फिर जोकीहाट होते हुए आप किशनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। बीच बीच में जो 3 तारीख को महागठबंधन की महारैली पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रूप से होने जा रही है, इसका भी निमंत्रण हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी द्वारा दिया जा रहा है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलेक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।